आज हम देखेंगे कि 2D और 3D ग्राफ्स कौन से होते हैं, दोनों ग्राफ्स में क्या फ़र्क होता है। 2D ग्राफ वो होता है जो 2-डायमेंशनल हो, और 3D ग्राफ वो होता है जो 3-डायमेंशनल हो। जो ग्राफ XY कोऑर्डिनेट्स देता है वो होता है 2D ग्राफ या 2-डायमेंशन ग्राफ। 2-डायमेंशन जो होता है उसको हम प्लेन कहते हैं। हमारे पास कोई भी प्लेन हो सकता है, हम अपने वाइट बोर्ड को प्लेन ले सकते हैं, अपने पेपर को प्लेन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात आ जाती है 3-डायमेंशन की, 3D ग्राफ की, तो ये हमें कार्टेशियन प्लेन कहते हैं इसको, और हम इसको स्पेस भी कहते हैं। स्पेस जो है अदर देन प्लेन होता है, कोई भी पॉइंट्स एक्स्ट्रा जो होते हैं प्लेन से वो स्पेस में ड्रा होते हैं, ठीक है। और इसको हम स्पेस एज अपना रेफरेंस पॉइंट देते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास XYZ पॉइंट्स होते हैं, और इसमें हमारे पास XY थे 2-डायमेंशन में। इनको मैंने नेगेटिव के लिए मैंने यहाँ तक ड्रॉ किया, X नेगेटिव यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है, क्योंकि हर वैल्यू में नेगेटिव वैल्यूज ज़रूर होती हैं, X नेगेटिव, X प्राइम या Y प्राइम। इसी तरह से मैंने XYZ जब ड्रॉ किया, ये इस तरह से ड्रॉ हुआ, और X प्राइम यहाँ हो गया, Z प्राइम इस तरफ होगा, और Y प्राइम इस तरफ होगा। इसके लिए इसके यूनिट्स भी हो जाते हैं IJK, I फॉर X, J फॉर Y, K फॉर Z। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन जो है कार्टेशियन साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया, और ये हमारे पास 3D। आज आपको समझ आएगा कि 2D और 3D में क्या फ़र्क होता है।